नमस्ते दोस्तों, रिटेल बिजनेसेस रिटेल स्टोर्स में सेल करना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो भी सेल करना ही सब कुछ नहीं होता, कस्टमर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मुझे पता है आपके कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, रिपीट सेल बढ़ाने के लिए आप अपना बेस्ट ही देंगे, लेकिन आप कस्टमर्स के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कस्टमर की नज़र में बेस्ट है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके सर्विस स्टोर के बारे में कस्टमर्स क्या सोचते हैं ये आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और बार द रिटेल कोहलिक में स्वागत करता हूँ। मैं बसवराज पाटिल, आपका दोस्त रिटेल ट्रेनर। हमारा टॉपिक है द बेस्ट टूल फॉर कस्टमर फीडबैक। ये हाउ टू इम्प्रूव रिपीट सेल का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो के बाद आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लेना। हमारा पॉइंट है फीड अस बैक। दोस्तों, जब कस्टमर्स प्रोडक्ट रिटर्न करने आते हैं, बिलिंग करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, अपने बैग्स रखने के लिए बैगेज काउंटर पर जाते हैं, उनका फ्लोर पर आपके साथ जो इंटरेक्शन होता है, इन सारे सिचुएशन में कस्टमर के माइंड में आपके स्टोर के लिए स्कोर बढ़ते या कम होते रहता है। और फाइनली वो कस्टमर जाते वक्त जो स्कोर रहेगा वो स्कोर डिसाइड करता है कस्टमर रिटर्न आएंगे कि नहीं। दोस्तों, आपके मोर देन 90% कस्टमर्स बैड एक्सपीरियंसेस आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मोर देन 90% कस्टमर्स अपना बैड एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं। एक कस्टमर अपना अच्छा एक्सपीरियंस 3 से 4 लोगों से शेयर करेगा, लेकिन कोई बैड एक्सपीरियंस रहेगा तो 9 से 10 लोगों के साथ शेयर करेगा। अगर कोई कस्टमर बिना पूछे अपना एक्सपीरियंस अपना फीडबैक शेयर कर रहा है तो उसकी वैल्यू कीजिए। कोई कोई स्टोर्स का रिएक्शन बहुत ही खराब रहता है कस्टमर फीडबैक को लेके। दोस्तों, कस्टमर फीडबैक के इम्पोर्टेंस को समझे, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड आपकी सैलरी अल्टीमेटली उन्हीं के जेब से आ रही है। कस्टमर का ओपिनियन, कस्टमर की रेटिंग डायरेक्टली आपके सेल पर इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी। अभी हम एक जबरदस्त टूल देखेंगे जिससे आप समझ सकते हैं और सेल पर कोई इम्पैक्ट आने से पहले ही संभल सकते हैं, जो है NPS, यानी नेट प्रोमोटर स्कोर। इसमें हम खुद कस्टमर से फीडबैक लेंगे और उन्हें सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट रेंज के बारे में फीडबैक देने के लिए एनकरेज करेंगे। कस्टमर स्कोर्स देंगे 1 से 10 तक, 1 यानी बहुत खराब और 10 यानी बहुत अच्छा। कस्टमर ने आपको अगर 1 से 6 तक रेटिंग दिया तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब है और वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आपके ब्रांड के बारे में नेगेटिव बोलेंगे। रेटिंग अगर 7 और 8 है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस ना खराब ना अच्छा है, वो आपके ब्रांड के बारे में न्यूट्रल रहेंगे और ना नेगेटिव ना पॉजिटिव बात करेंगे। अगर कोई बात छेड़ता है आपके ब्रांड के बारे में, फिर भी वो अपना कोई ओपिनियन नहीं देंगे। कस्टमर ने अगर 9 या 10 रेटिंग दिया है तो वो काफी खुश है आपके सर्विस से, प्रोडक्ट से या ब्रांड से, वो आपके स्टोर को, आपके प्रोडक्ट को सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड करेंगे और प्रमोट करते रहेंगे। दोस्तों, समझो आपने 100 कस्टमर से फीडबैक लिए है, उसमें से जिन्होंने 1 से 6 तक रेटिंग दिया है उन्हें एडवर्सरी कहेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल 30 है। जिन्होंने 7 और 8 दिया है उन्हें न्यूट्रल कहेंगे, जो मान लो 20 कस्टमर्स है। और जिन्होंने 9 और 10 दिए हैं उन्हें प्रमोटर्स कहेंगे, जो मान लो 50 कस्टमर्स है। तो आपका नेट प्रमोटर स्कोर हो गया 50 - 30 = 20। 50 कस्टमर्स आपके अनपेड प्रमोटर्स है, लेकिन 20 आपका नेट प्रमोटर स्कोर है। दोस्तों, आप फीडबैक लेने के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं जिसमें कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस, प्राइस रेंज, क्लीनलीनेस, कैश काउंटर, चेकआउट्स एक्सेट्रा के लिए 1 से 10 तक रेटिंग देंगे। ये फीडबैक आप किसी बुक में, कैश काउंटर पर, कस्टमर रिटर्न जाते वक्त ले सकते हैं। कई कंपनीज NPS SMS सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यूज करती है, जैसे कि बिलिंग के बाद कस्टमर को मैसेज जाता है और कस्टमर मैसेज लिंक थ्रू फीडबैक या स्कोर दे सकते हैं। ये काफी जबरदस्त टूल है दोस्तों, आपके खुद के स्टोर को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कस्टमर को भी फील होता है कि कोई तो पूछने और सुनने वाला है, जो काफी बड़ा रीजन बन सकता है आपके लॉयल कस्टमर्स और रिपीट सेल बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताएं कि और कहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
अभी रिटेल कोहली को आप सुन भी सकते हो स्पॉटिफाई पे या गूगल पॉडकास्ट पे। जब आप ट्रैवलिंग में हो या जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सुन के रिविजन कर सकते हैं। स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट पर सर्च करें रिटेल कोहली। देखते रहे, सुनते रहे, सीखते रहे। ऐसे ही मिलते रहेंगे दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय।